श्री कृष्ण वो नाम जिसने धर्म सिखाया, वो नाम जिसने कर्म सिखाया, श्री कृष्ण ने ही प्रेम सिखाया और श्री कृष्ण ने ही त्याग। कोई हिंदू धर्म से हो या ना हो, लेकिन श्री कृष्ण पर विश्वास रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। और लोगों का विश्वास हो भी क्यों ना, श्री कृष्ण अपने होने का सबूत हर रोज हजारों तरीके से देते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या गुजरात का द्वारिकाधीश मंदिर, जयपुर के गोविंद देव जी हो या वृंदावन के बांके बिहारी, हम सब ने किसी न किसी रूप में श्री कृष्ण का चमत्कार कभी न कभी जरूर देखा है। हिंदू धर्म में श्री कृष्ण जी के बारे में बताई गई कहानियों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है और इनकी रासलीला के किस्से किन्हें पसंद नहीं होंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि रासलीला होती क्या है। दरअसल रासलीला एक संस्कृत शब्द है जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, जहां रास मतलब स्वीट टेस्ट और नेक्टर, वही लीला मतलब द एक्ट ऑफ प्ले या डांस होता है। सरल रूप में बताया जाए तो श्री कृष्ण जी मानव रूप में बचपन से ही काफी शरारती थे। वे गोपियों के साथ खेलते थे, उनके साथ डांस करते थे, उन्हें परेशान करते थे और उनके घर से माखन चुरा कर भी खाते थे। देखा जाए तो ये सभी काम श्री कृष्ण अपने भक्तों के साथ समय बिताने के लिए किया करते थे। भक्त और भगवान के बीच एक अटूट रिश्ता, एक ऐसा भाव जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता है। और तो और भक्त अपने भगवान के लिए क्या होता है, हमारा भगवान कैसा होता है, ये सभी चीजें श्री कृष्ण ने ही तो हमें समझाए हैं। तो रासलीला वो नहीं है जो आजकल कुछ लोग आधी अधूरी बात सुनकर या समझकर मान लेते हैं, क्योंकि रासलीला भगवान और भक्तों के बीच की सुंदर कहानी है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा मान्यता रखने वाले निधिवन के बारे में, जिसमें काफी सारे रहस्य छिपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में निधिवन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, वृंदावन में स्थित ये निधि वन श्री कृष्ण, राधा रानी और उनके साथ रहने वाली गोपियों का रासलीला करने का जीता जागता प्रतीक है। साथ ही ये निधि वन इस चीज का भी प्रमाण है कि श्री कृष्ण प्रतिदिन यहाँ आकर रासलीला रचाते हैं। दोस्तों, निधि वन में मौजूद हर तुलसी का पेड़ अलग है, मतलब ये हमारे घरों में होने वाले तुलसी के पौधे की तरह नहीं है बल्कि पेड़ों के रूप में होते हैं। इन्हें वन तुलसी भी कहा जाता है। यहाँ उपस्थित तुलसी के पेड़ ऊपर से नीचे तक काफी डिफरेंट होते हैं। ये कहा जाता है कि ये तुलसी के पेड़ गोपियों के रूप है और आज भी हर रात जब श्री कृष्ण और राधा रानी निधिवन में रासलीला रचाते हैं तो ये सभी तुलसी के पेड़ गोपियां बन जाते हैं। यहाँ आए भक्तों को तुलसी पर सिंदूर लगाना, छूना या कुछ भी अर्पण करना अलाउड नहीं है। इतनी बड़ी जड़ें, इतने घने पत्तियां, ऐसी तुलसी के पेड़ सिर्फ निधिवन में ही मिलते हैं। निधिवन को सभी भक्तों के लिए प्रतिदिन सुबह खोला जाता है, लेकिन इसे शाम में संध्या आरती के बाद लगभग 9 बजे बंद भी कर दिया जाता है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि हर रात्रि काल में श्री कृष्ण वहां रासलीला रचाने आते हैं। काफी सारे लोगों का ये भी कहना होगा कि ये सब सिर्फ हवा में कही और सुनी गई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं अभी आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिससे आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर निधिवन के पीछे का रहस्य क्या है। दरअसल निधिवन में संध्या आरती के बाद इंसान ही नहीं, जानवर भी नहीं रुकते हैं। निधिवन में बंदर हो या चींटी या कोई भी पक्षी, संध्या आरती होने के बाद हर जानवर एक एक करके बाहर निकल जाते हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि निधिवन में कोई बचते छिपते हुए रात में रुक भी गया तो वह कभी भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगा। हो सकता है उसकी आवाज चली जाए, मानसिक संतुलन बिगड़ जाए या शायद ऑन द स्पॉट उसकी डेथ भी हो जाए। यदि आप निधिवन के आसपास मौजूद घरों को ध्यान से देखेंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि निधिवन की ओर किसी भी घर में विंडो नहीं बनाई गई है, और अगर पहले किसी के घर में निधिवन के मुख की ओर विंडो बनी भी है तो वह सदियों से बंद है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां मौजूद लोग ये नहीं चाहते कि रात में गलती से भी उनकी नजर निधिवन की तरफ पड़े। ये बात यही खत्म नहीं होती। निधिवन के पास रहने वाले लोगों का ये दावा है कि रात के समय वन से गाने व घुंघरू की आवाज आती है। माना जाता है कि एक बार रात्रि काल में राधा रानी के सभी सहेलियों को काफी जोर से प्यास लग रही थी, तब उन सभी ने यमुना नदी के तट पर जाकर पानी पीने का फैसला लिया। लेकिन अचानक राधा रानी को ये ख्याल आया कि रात का समय तो नदियों के आराम करने का समय होता है, लेकिन राधा रानी अपने सहेलियों को प्यासा भी कैसे रहने देती। तब अपने भक्तों का हाल देखकर श्री कृष्ण ने जमीन से पानी का एक नया स्रोत निकाला, जिसे आज वहां ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है।
निधिवन में एक बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार घर है जो राधा रानी और श्री कृष्ण के लिए ही बनाया गया है, जिसका रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया है। तो होता कुछ यूं है कि हर रात मंदिर बंद होने से पहले मंदिर के पुजारी वहां रहकर बिस्तर को सजाते हैं, श्रृंगार का सामान वहां रखा जाता है, पान, गुलाब के पत्ते और काफी सारी चीजें भी रखी जाती हैं। श्रृंगार घर सजाने के बाद उस कक्ष में एक बड़ा सा ताला लगा दिया जाता है और अगले दिन मंदिर खुलते ही सबसे पहले श्रृंगार घर को खोला जाता है। और जब श्रृंगार कक्ष को खोला जाता है तो हर रोज ये सजाया हुआ कमरा उथल पुथल या अस्त व्यस्त पड़ा हुआ मिलता है, मानो यहाँ हर रोज कोई आते हो। कहा जाता है कि श्री कृष्ण रोज राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और दोनों साथ में समय व्यतीत करते हैं। तो वो श्रृंगार कक्ष जिसे पुजारी खुद बंद करते हैं और अगली सुबह खुद ही खोलते हैं, तो वहाँ आधी रात में आता कौन होगा? साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेशन भी इसके बारे में कुछ पता नहीं कर पाए हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये भगवान के होने का प्रमाण नहीं तो और क्या है? सिर्फ इतना ही नहीं, चौंकाने वाली बातें तो और बहुत सारी है जिसे सुनकर आश्चर्य के अलावा और कुछ नहीं होगा। इतने सारे फैक्ट्स और प्रूफ देखने के बाद हम ये तो मान ही सकते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में जो भी बातें लिखी गई है वो मिथ नहीं बल्कि सत्य है। श्रीमद् भागवत, महाभारत, रामायण जैसी किताबें कोई स्टोरी बुक नहीं है बल्कि ये हमारे इतिहास में हुए किस्सों का सारांश है। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, श्रीलंका, कैलाश पर्वत, हिमालय और न जाने कितने ऐसे प्रूफ्स का होना अपने आप में ही भगवान के मौजूद होने का बहुत बड़ा सबूत है। तो ये हमारी मानसिकता है कि हम अपने धर्म, संस्कृति और पुरातन सभ्यता पर विश्वास करें, इसे किसी दूसरे देशों के द्वारा प्रमाणित करने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो याद रखिएगा, हमारा धर्म कोई माइथोलॉजी नहीं बल्कि हिस्ट्री है। रही बात लोगों की, तो लोगों के मन में सवाल तो हमेशा ही रहेंगे। आज वो सवाल कुछ है तो कल कुछ और होगा, लेकिन भगवान होते हैं या नहीं ये सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आजकल के ढोंग और पाखंड से लोगों के आस्था में काफी ठेस पहुंचती है। जहां इतनी ज्यादा मात्रा में स्कैम्स और एक्टिंग चल रही है, वहां लोग अपनी अंदर श्रद्धा कैसे रख पाएंगे? पर मुझे ये लगता है कि भगवान को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, बल्कि भगवान है या नहीं इस बात का सबूत मांगने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मन में श्रद्धा है और आप पॉजिटिव एनर्जी पर भरोसा करते हो तो भगवान आपके साथ है हरदम हर वक्त। इसलिए तो दृष्टिहीन होने के बावजूद सूरदास जी ने श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन दिया है जैसे कोई और दे ही ना पाए। तो बाहर की दुनिया और भड़कावे को देख सुनकर सवाल उठाने से अच्छा है कि अपने अंदर की दुनिया को देखे और खुद में जवाब ढूंढे। दोस्तों, आपको श्री कृष्ण के बारे में बनाई गई ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में राधे राधे भी जरूर लिखें।